वाला। केरल में एक लड़की में निपाह वायरस मिलने के बाद मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने स्वास्थ्य मंत्री के साथ एक समीक्षा बैठक की। यूपी के झांसी में एक पेट्रोल पंप पर बाइक खड़ी कर पानी पीने गए निजी कंपनी के एजेंट की बाइक से दूसरे बाइक सवार ने 8 लाख रुपयों से भरा बैग लूट लिया, जिसकी तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। बिहार के गया में पानी न मिलने से परेशान लोगों ने जल आपूर्ति केंद्र में ताला जड़ दिया। यूपी के मुरादाबाद में आंधी के साथ आई बारिश की वजह से कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए, जबकि सड़कों पर पानी जमा हो गया। यूपी के मिर्जापुर में बदमाशों ने दुकान बंद कर घर जा रहे गहनों के व्यापारी को गोली मारकर उससे लाखों रुपए के जेवरात लूट कर फरार हो गए। यूपी के फिरोजाबाद में आंधी बारिश और ओले गिरने की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली, जबकि किसानों की खड़ी फसल बर्बाद हो गई। यूपी के आगरा में एक लड़के की गोली मारकर हत्या से खफा परिजनों ने उसके शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में तेज आंधी और बारिश के बाद 300 से ज्यादा बिजली के खंभे टूट कर गिरने से बिजली विभाग को करीब 50 लाख का नुकसान हुआ। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा से पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम हटा दिया। इससे पहले राजस्थान सरकार स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली किताबों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय और सावरकर से जुड़े पाठ में बदलाव कर चुकी है। और एक बार फिर गहलोत सरकार ने वसुंधरा सरकार के कार्यकाल के दौरान लिया गया फैसला बदल दिया। बरसों से राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा चलती आ रही है, तो उसी नाम से लोग जानते हैं उसको, तो उसी नाम से उसको कंटिन्यू किया जाना चाहिए। जिसके बाद आग बबूला हुई बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया, क्योंकि अपमान करने का जो स्वभाव है उसके आधार इन्होंने हटाया।